नमाज थी, अब कहा कि खाने काबा की छत पर चढ़कर अजान दो, बिलाल को बुलाओ। मुअज्जिन रसूल आए और जल्दी से जल्दी रस्सी डालकर काबे के ऊपर चढ़ने लगे। चढ़ते ये भी सहाबा कहते हैं बड़े फखर की बात थी कि हुजूर काबे की छत पर चढ़ा रहे हैं। वो एक ही अजान हुई वहां से फिर कभी नहीं, छत पर चढ़ा करके अजान दिलाया। हजरत बिलाल हबशी बड़े जोश में थे, यही मक्का है जहां मुझे पैरों से मारा जाता था, रौंदा जाता था, अल्लाह के नबी ने इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया। उन्हीं सहाबा का तो ये नारा था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर या रसूल अल्लाह हमें अनमोल कर दिया। खड़े हो गए अजान के लिए, बड़ी प्यारी अजान देते थे, लेकिन वहां उनको थोड़ी सी फिक्र लायक हो गई। पूछने लगे, या रसूल अल्लाह मैं इतने सालों से जो अजान देता हूं काबे की तरफ मुंह करके देता हूं, अभी काबा नीचे आ गए, अब किधर मुंह करूं, कहां मुंह करूं? हुजूर ने फरमाया बिलाल मेरी तरफ मुंह करो, मेरी तरफ देख करके अजान दो। आला हजरत फरमाते हाजी ओ आओ, शहिनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, मेरे आका का रोजा काबे का भी काबा है। बिलाल हबशी जब चढ़कर अजान दिए, ये खुलासे कलाम है मेरा, लुब्बे लुबाब मगज है, क्यों बिलाल हबशी को चढ़ाया गया था? सिर्फ इस बुनियाद पर कि दुनिया ये समझ ले जो रसूलुल्लाह के कदमों से वाबस्ता हो जाए काबा भी उसके कदमों के नीचे आ जाता है। अल्लाह हमें सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। वा आखिर दावा।